जाने माने प्लेबैक सिंगर और इंडियन आइडल फेम अभिजीत सावंत भोपाल पहुंचे। खेलो एमपी यूथ गेम्स के समापन समारोह में उन्होंने प्रस्तुति दी। अभिजीत सावंत ने सिंगिंग के साथ एक्टिंग को भी अपनाया और उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव को देखते हुए हिट और रन केस में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अभिजीत सावंत की जिंदगी से जुड़ी इन्हीं कुछ पहलुओं पर उनसे बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। मशहूर प्लेबैक सिंगर अभिजीत सावंत, जिन्हें इंडियन आइडल में आपने देखा होगा और पहले जो है रनर अप वो इंडियन आइडल के रहे हैं। अभिजीत, बहुत लंबा सफर रहा है आपका, और खासतौर से अगर हम बात करें तो शुरुआत कैसी रही आपकी, म्यूजिक की किस तरह से रही, और उसके बाद फिर इंडियन आइडल में आप फाइनलिस्ट रहे और आपने बड़ा अचीवमेंट गेन किया। नहीं, शुरुआत बहुत अच्छी तो नहीं होती किसी भी एक, यू नो, आप करियर जब शुरू करते हो तो बहुत सारे स्ट्रगल्स और शुरुआत होते हैं, तो शुरुआत डेफिनेटली हार्डशिप से ही हुई, लेकिन कहूँगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिससे जिसने हमें लोगों तक पहुँचाया और एक इंटरनेशनल पटल पे लाके खड़ा किया। सो बहुत ही आगे की जर्नी जो है वो सुखद रही। इंडियन आइडल में आप पार्टिसिपेट रहे, उसके फिफ्थ उसमें सीजन में आप जज भी रहे हैं और एंकर भी रहे हैं, तो एक ऐसा लगता है ना कि कहीं जिस चीज के हम पार्टिसिपेट रहे हैं उसमें अगर हम एंकरिंग करते हैं या उसको हम होस्ट करते हैं तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस। हाँ, बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस था, लेकिन उन टाइम से पहले मैंने बहुत सारी चीजें कर ली थी, मतलब बहुत सारे शोज ऑलरेडी हो चुके थे, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं टेलीविजन में पार्टिसिपेट कर चुका था, एक फिल्म भी एज एन एक्टर कर ली थी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस था। बट हाँ, एक खुशी थी जिस प्लेटफॉर्म से मेरा करियर शुरू हुआ उसी प्लेटफॉर्म पे वापस आकर वो होस्ट करना, उस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एक चैलेंजिंग रोल जरूर था। ये तो थे अभिजीत सावंत, जिन्होंने कहा कि किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, सिंगिंग, फिर उसके बाद पत्नी डांसर है, तो उस तरह का एक अलग, और जीवन में कुछ हर्डल्स आए उनको भी उन्होंने पार किया, और निश्चित ही जब वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ और नया करेंगे। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV24 भोपाल।